नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोट फार्मिंग केयर यानी बकरी पालन से संबंधित अन्य वीडियो में। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वाले वीडियो में जो है हम जानेंगे बकरियों के अंदर बछड़ों के अंदर होने वाली जो है स्किन डिसीज़ के बारे में। जो छोटे बकरे होते हैं उनमें जो है अक्सर बरसाती के मौसम में जो है भीगने के कारण ये डिसीज़ होती है। वैसे ये किसी भी कारण हो सकती है आपके छोटे मेमनों के अंदर, बकरों के अंदर, बकरियों के अंदर। ज़्यादातर ये भीगने के कारण होती है, बरसाती के मौसम में होती है। तो इसमें जो है शरीर के ऊपर जो है 1 रुपये जितने लंबे गोल सिक्के जैसे घाव शरीर में हो जाते हैं, और ऐसे में जो है इनका हमें इलाज किस तरीके से करना चाहिए, ट्रीटमेंट किस तरीके से करना चाहिए, सारी कुछ जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जब भी ये स्किन प्रॉब्लम बकरों के अंदर, बकरियों के अंदर देखने को मिल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले जो भी मेमना, जो भी बकरी इस बीमारी से ग्रसित है, तो इसको जो है आपको सबसे पहले क्वारंटाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे होता ये है कि अगर ये चत्ते गलती से फूट जाते हैं, गलती से अगर किसी अन्य गोट को, अन्य बकरों को लग जाते तो ये फैलने वाली बीमारी होती है। तो एक में से दूसरे में ये फैल जाती है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ब्लैक कलर के अंदर पूरे स्किन पे जो है कहीं पे ऐसी जगह नहीं है इसके स्किन पे कि वहाँ पे ये जो है चकते, यहाँ पे ये जो डाग, यहाँ पे ये जो स्किन प्रॉब्लम है ये ना हुई हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको इस बच्चे को, इस बकरी को जो है आपको क्वारंटाइन जरूर कर देना है, सभी जानवरों से अलग इसको रखना होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो है ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों हमने सबसे पहले इंजेक्शन लेना है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन। ये काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक है, ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में भी काम आता है। तो सबसे पहले हमने ये इंजेक्शन इसमें 2 ml लगा दिया इसको। और दूसरा इंजेक्शन हम जो इसको लगाएंगे वो है क्लोरफिनरमाइन मेलेट CPM, इसको हम लगाएंगे 3 ml CPM। और जो तीसरा इंजेक्शन दोस्तों हम लगाएंगे इसमें वो है डेक्सा 1 ml। तो 3 इंजेक्शन ये लगेंगे इसको, साथ ही साथ में इसे हम लगाएंगे पी कॉम्प्लेक्स के तौर पे सिनकोमेट, जो कि काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है, भूख बढ़ाने में, ताकत देने में, कमजोरी में यूज करेंगे हम। बाकी हमने बेलामाइल इस बार यूज नहीं किया है, इस बार हमने यूज़ किया है इंजेक्शन सिनकोमेट का। ये कमजोरी में काम आता है। जब भी ये स्किन डिसीज होती है आपके जानवरों में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जानवर थोड़े से वीक, डल, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें इस इंजेक्शन का उपयोग यहाँ पर किया है, तो ये लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। साथ ही साथ दोस्तों हम इसे और एक इंजेक्शन लगा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे वो नहीं लगाए जो कि आइवरमेक्टिन है। बच्चा छोटा है तो इसके रिकॉर्डिंग हमने नहीं लगाया है। बाकी हम इसे आइवरमेक्टिन से इसकी डिवॉर्मिंग जरूर करवा देंगे। जो भी इसका डोज होगा वो बॉटल पे लिखा होता है, तो इससे हम इसकी डिवॉर्मिंग जरूर करवा देंगे, और इसके जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज तक का ये हमारा दूसरा केस है स्किन रिलेटेड का। तो ये जो है काफ़ी इसमें राहत देखने को मिली है, तो इसी के रिकॉर्डिंग हमने जो है इस ट्रीटमेंट को यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरीके से आप अगर स्किन डिसीज़ आपको देखने को मिल जाती है, तो आप जो है इस तरीके से इलाज अपने गोट के अंदर कर सकते हो। तो बाकी दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,